गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो एज वी नो दैट अप टू एक्सरसाइज 4.2 हैव कंप्लीटेड. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 4.3. सो लिसन केयरफुली. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. सो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें नेमिंग करने हैं एंगल्स के, ठीक है. तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें भी बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है. तो एंगल्स ये, अगर कोई एक पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेज निकलती हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो ये जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एंगल्स कहते हैं, ठीक है. तो एंगल्स क्या होता है, ये कॉर्नर वाला डिस्टेंस, ठीक है. यानी अगर कोई दो लाइन्स है, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है या रेज है, ठीक है, तो कोई भी दो लाइन या रेज अगर एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है, इससे निकलती है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा एंगल होता है, ठीक है. सबको ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था. तो अब देखिए यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट एंगल क्या होगा, ये देखिए ये. तो इस एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए एंगल ए डी सी. यानी जिस पर कॉर्नर बना होता है, जो पॉइंट पर दो रेज मिलती हैं, दो लाइन सेगमेंट, उसी बीच में लिखते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल्स के लिए क्या लिखेंगे, ए डी सी. अब देखिए यहाँ पे और कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल, ठीक है. तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, तो डी, फिर ये बीच में जहाँ पर बना है एंगल वो बीच में, और फिर ये वाला बी. यानी जिस रेस से बना है या जिस लाइन सेगमेंट से बना है तो वो पॉइंट को बीच में ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है. तो इसी टाइप से हम एंगल्स फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, तो देखिए फोर एंगल्स हैं, ये 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 और ये वाली एंगल्स, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट. अब तो आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर टू इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स. यानी कि हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. यानी एंगल डी ओ ई क्या है, तो देखिए डी ओ ई, ठीक है, यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये वाले एंगल की, ठीक है, ये दो रेस के बीच की जो डिफरेंस है, ठीक है, पॉइंट ओ पर, ठीक है. तो ये हमारा एंगल हो गया. तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, तो ये बताइए कि इस एंगल्स के इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड और अंदर में, ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड या बाहर में, ठीक है. तो इंटीरियर पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है ए, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, ठीक है. तो ये पॉइंट ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ यानी हमारे पास जो बीच में रहता है उस एंगल्स की बात होती है ना, तो ई ओ एफ यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है. तो अब ये बताइए कि इस एंगल में एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एक्सटीरियर यानी बाहर के, ठीक है, आउटसाइड. तो ये देखिए एक पॉइंट ये दिख रहा है, फिर दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है, तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी इज आंसर, ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑन एंगल ई ओ एफ, ठीक है, एंगल ई ओ एफ में. अब देखिए ई ओ एफ कहाँ है, ई ओ एफ, ठीक है, ई ओ एफ में ऑन, ठीक है, ऑन मतलब उसके पर, ठीक है, यानी उस लाइन पर कितने पॉइंट्स है, ठीक है. अभी मैंने, हमने क्या बताया कि इंटीरियर बताया, एक्सटीरियर बताया, और इसमें हम जानेंगे कि उस लाइन पर कितने, वो एंगल बनाने में कितने पॉइंट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, ऑन द. तो देखिए ये पॉइंट एफ, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट ई, ये सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है. सो ऑन द एंगल ई ओ एफ देर इज दिस मच पॉइंट्स. तो ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो आइए अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, ठीक है. तो हमारे पास, हमें ड्रॉ करना है दो ठे एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद दिस गिवन कंडीशन, ठीक है. गिवन कंडीशन दी है, उसे यूज़ करके हमें दो दो एंगल बनाने हैं, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है,
एक पॉइंट कॉमन होनी चाहिए और दो एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए सपोज़ करिए कि ये एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट P हो गए, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों ये वाला एंगल बन जाएगा और ये वाला, ठीक है। तो हम इधर कुछ भी नाम दे देंगे, ये P हो गया, तो ये A, B और ये C, D। तो अब ध्यान से देखिए, A, P, B एक एंगल बन गया और C, P, D, C, P, D एक एंगल और A, P, B एक एंगल, यानी दो। इसमें इन दोनों एंगल्स में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है और वो कॉमन पॉइंट क्या है, P। तो हमारे पास बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ये डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर B, टू पॉइंट्स इन कॉमन। वहाँ पर टू पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, हमें दो एंगल बनाने हैं, टू एंगल्स बनाने हैं, उसमें टू पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये और इसे हम D लेते हैं, इसे F लेते हैं, ठीक है, और इसे E लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो अलग अलग एंगल बन गया। तो ये फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, एफ ओ ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ओ ई, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ ई, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ ई। तो देखिए इन दोनों एंगल्स में टू पॉइंट्स कॉमन है, ओ ई ओ ई, ठीक है, ओ और ई, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं तो ये कॉमन है। तो ये हो जाएंगे टू पॉइंट से हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने इस डायग्राम का एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये देखिए दो एंगल्स हैं जो कि जिस पे दो पॉइंट्स सेम रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है थ्री पॉइंट, फोर पॉइंट एंड वन रे इन कॉमन, ठीक है। तो अब ये तीनों को आप ट्राई खुद से ट्राई करिएगा बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे समझाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।